You're sick of my madness. Don't you tell me what I'm supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I'm supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so fool, get out of my life. I know what I. वेरी वेलकम बैक फ्रेंड्स, और आइए, और हम पहुंच गए हैं स्नो व्यू पॉइंट पे। और आप मेरे पीछे देखें तो ये काफ़ी शानदार एक प्लेस है, यहाँ पे व्यू पॉइंट है, और यहाँ पे जो कि शॉप है बहुत अट्रैक्टिव सा वुड्स का। तो मैं अभी आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ और जानेंगे यहाँ पे कितने पर्यटक सैलानी अभी के समय मौजूद हैं। और देखें, ये बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो यहाँ से, और मैं आपको जानकारी देता हूँ प्लेसेस की। तो यहाँ पर सामने ही देखें तो ये जो कि एरोज लगे हैं, तो ये बड़े ही शानदार एक कॉन्सेप्ट है। इसमें टिफिन टॉप, शेवुड कॉलेज, सेंट जोसेफ्स कॉलेज, कैमल्स बैग, सनसेट पॉइंट और ये वुड्स का जो कि शॉप है, इनके द्वारा ये कस्टमाइज़ किया गया है। और नैनी लेक व्यू पॉइंट सारे ही करेक्ट एरोज में हैं। तो यहाँ से आप व्यू देखें तो अगर तो ये सारे ही एरोज एकदम करेक्ट हैं, और यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सी प्लेस कहाँ पे है। और अभी के समय देखें यहाँ पे कुछ इतना टूरिज्म है जो कि अभी जस्ट केबल कार ऊपर पहुँचा ही है। और यहाँ पे लोग देखिए वेदर का आनंद उठा रहे हैं, और काफ़ी ही अच्छा जो कि एक वेदर बना हुआ है। और देखें तो बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं है, मगर कंपेरेटिवली जो कि कल जैसे बारिश हुई थी, तो बहुत ही शानदार मौसम है नैनीताल में। और एयर क्वालिटी नैनीताल की बहुत ही शानदार है अभी, जो कि बहुत पुअर रहता है कई टाइम, जो कि 14 है आज के दिन में। और यहाँ से देखें लेक का कॉर्नर हल्का सा नज़र आ रहा है, ये देखें। और आइए व्यूवर्स यहाँ की मार्केट प्लेस की बात करें, तो यहाँ पे देखें तो ये सारा कुछ आइटम, बच्चों के टॉयज़ और वुमेंस की आर्टिफिशियल ज्वेलरी और बैग्स, ये सारे कुछ अवेलेबल हैं। और ये देखें शॉल्स, और यहाँ से आप लोग ये चीज़ें बाय कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी एकदम फोटोजेनिक प्लेस है। और ये देखें सामने जो कि ये वुड्स का शॉप है, इसमें बहुत ही ज़्यादा यूनिक जो कि पीसेज रखे हुए हैं। तो मैं एक आपको यहाँ से ग्लिम्स इसका शेयर कर रहा हूँ, और ये देखें काफ़ी अच्छी ये शॉप है, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और ये देखें तो बहुत ही यूनिक चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं आपको। तो ऐसा कुछ ये शॉप एरिया है, और ये देखें यहाँ से सारी शॉप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा धीरे धीरे। और ये जो कि बैक साइड का एरिया है, ये जस्ट जो कि ट्रॉली सेंटर है उसके जस्ट सामने ही है। और ये देखिए वॉल क्लॉक्स, ये जो कि फ्रेंच हुई हैंगिंग जो कि आइटम है यहाँ पे, और वुडन थिंग्स यहाँ पे बहुत ही अच्छी बनी है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर है, ये हमारे कुमाऊनी कल्चर में ऐसे ड्रेसेस, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे शॉल्स हैं, और ये जो कि सेल में हैं 150, 250, 300। और ये है जस्ट यहाँ पे देखें तो थैंक यू और विजिट अगेन लिखा है। और अभी जस्ट केबल कार यहाँ से नीचे चला गया है, सामने ऊपर जो कि केबल कार यहाँ पे इसका स्टेशन है ट्रॉली। तो ये देखें रोपवे नैनीताल का ये स्टेशन है स्नो व्यू पॉइंट, और सामने यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये सेकंड फ्लोर में है सिचुएटेड, और नीचे की तरफ कार पार्किंग है। और इधर की तरफ देखें तो कुमाऊं मंडल विकास निगम का बहुत ही शानदार सा एक ब्रिटिश टाइम का जो कि स्टे के लिए आपके लिए ऑप्शन है। तो आप लोग कुमाऊं मंडल विकास निगम की वेबसाइट से रिडायरेक्ट हो गए यहाँ पे, की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो आप अवेलेबिलिटी जान सकते हैं। और ये देखें कुछ ऐसी है स्नो व्यू की मार्केट, और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बच्चों के लिए जो कि वीडियो गेम सेंटर है, और आगे तक के यहाँ पे शॉप्स है, फूड ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इधर की तरफ अभी जाएंगे, और ये देखें जो कि वुड्स का फ्रंट व्यू है यहाँ से, जो कि हम बैक साइड में थे इसके। और उससे पहले आप इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर है एडवेंचर पार्क और माउंटेन मैजिक तो इसका नाम है। तो आइए मैं आपको आगे की तरफ ही लेके चलता हूँ, यहाँ से शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन। और देखें तो ये जस्ट इस एडवेंचर पार्क से पहले ही है कुमाऊं मंडल विकास निगम का होटल स्नो व्यू हेरिटेज, और ये आप कुमाऊं मंडल विकास निगम की वेबसाइट में जाके रिडायरेक्ट होकर के इसकी अवेलेबिलिटी जान सकते हैं। और ये देखें तो यहाँ पर सारा कुछ, यहाँ पर गेमिंग जोन है और किड्स के लिए एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, और यहाँ पे फूड के लिए रेस्टोरेंट्स हैं। और आप लोग यहाँ पे ये देखें तो इन चीज़ का आनंद उठा सकते हैं। और ये डायनासोर पार्क का ये टिकट है काउंटर एंट्री, और ये देखें एडवेंचर पार्क के अंदर एंट्री करते हैं, और देखते हैं अभी के समय कितना यहाँ पे जो कि पर्यटक सैलानी मौजूद है। और आज जैसे कि वीकेंड शुरू हुई है, तो आज काफ़ी रश मुझे नज़र आ रहा था नैनी झील में, और यहाँ पर भी देखें तो लोग
नीचे से रोपवे की फैसिलिटी अवेल करके सीधा ऊपर आ जाते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है यहाँ पे भी घूमने में। और ये देखें शॉप्स में, तो ये देखें एडवेंचर पार्क के अंदर एंट्री करते ही यहाँ पे हैंडलूम हाउस का ये शॉप है, और यहाँ पे वुमेंस के लिए और ब्लैंकेट्स, क्विल्ट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए काफ़ी यूनिक शॉप है और यहाँ पे बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट्स हैं। ये देखें बच्चों के लिए जैकेट्स, और ये बड़ी अमेजिंग प्लेस है, और यहाँ पे कुछ ऐसा यहाँ का एनवायरनमेंट है। और ये देखें तो हैंडलूम हाउस में जो कि डिस्काउंट भी चल रहा है, और ये आप सेल पढ़ सकते हैं, आप जब भी यहाँ आए तो ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं यहाँ से। और आगे की तरफ चलते हैं आइए, और यहाँ पे देखें तो बड़ा ही अच्छा कॉर्नर है ये, और एकदम किड्स के लिए बहुत ही अच्छा अमेजिंग प्लेस है, और यहाँ पे फूड के लिए भी ऑप्शन है काफ़ी ढेर सारे। तो यहाँ पे देखें इधर की तरफ, तो यहाँ पे बच्चे जो कि ऐसे इंजॉय कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर का राइड है बच्चों का। और इधर की तरफ है गो कार्ट, मैं आपको लेके चलता हूँ। और यहाँ पे देखें तो मील्स भी आप ले सकते हैं इधर पे। और ये देखें यहाँ पे गो कार्ट्स की अभी फैसिलिटी भी चला नहीं रहा है इसे, और क्योंकि स्काई साइकिलिंग है मे बी इसे यही बोला जाता है, आई एम नॉट श्योर इसका नाम क्या है, मगर इसमें देखो तार है ऊपर से और ये हवा में साइकिलिंग करते हैं इसमें, तो ये सारा कुछ यहाँ पे है। और ये गो कार्ट खड़ी है देखो, तो देखें इसके लिए बोर्डिंग रैंप यहाँ पे है, और यहाँ से सीधा रोप से उधर भेजा जाता है। अभी दिखाता हूँ आपको। और आइए फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपको सामने की तरफ ही एक ये जो फेल्स आपको नज़र आ रहा है, तो इधर की तरफ चलेंगे, और ऊपर भी यहाँ से एक जो कि स्नो व्यू पॉइंट है यहाँ से, जो कि हिमालयस का व्यू आपको बहुत ही शानदार रहता है ऊपर से। तो यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट भी है पीछे की तरफ, और ये काफ़ी ही अच्छा प्लेस है। यहाँ पे जब आप हॉर्स राइड की फैसिलिटी अवेल करेंगे तो आपको जो कि घोड़ा चालक हैं वो आपको इधर ही लेके आएंगे, तो यहाँ से चलाते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे गन शूटिंग भी अवेलेबल है आप देख सकते हैं एज वेल एज। और ये व्यू पॉइंट ऊपर की तरफ है, तो जब भी आप यहाँ आएँ तो ऊपर वाले व्यू पॉइंट में देखें, यहाँ आना ना भूलें, बड़ा ही अच्छा व्यू रहता है यहाँ से हिमालयस का। तो जैसे कि आज तो बादल हैं मगर हिमालयस नज़र नहीं आएंगे आई एम श्योर, तो फिर भी आपको ऊपर ही लेके चलता हूँ। और फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बाइनोकुलर्स, और यहाँ पे ये हैं भैया, और यहाँ पे देखें गिटार्स भी हैं, आप लोग इनके साथ फ़ोटोज़ भी खिंचा सकते हैं। और सामने एक हार्ट फ्रेम है, और देखें तो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। और ये देखें यहाँ से सामने ही जब मौसम देखो साफ़ होता है, आज तो मैंने आपको बताया ही था बादल लगे हुए हैं बहुत ढेर सारे, तो देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मगर जब आप यहाँ से आएंगे तो यहाँ से हिमालयस का बहुत ही अमेजिंग व्यू रहता है। और ये जो यहाँ से सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं जहाँ पे बादल लगे हुए हैं, तो कल का मेरे वीडियो यहीं से था अगर आपने देखा होगा तो। इस प्लेस का नाम है टिफिन टॉप, और जो कि यहाँ से भैया बाइनोकुलर्स वाले हैं, और वो यहाँ से आपको क्लियर दिखा देते हैं कि कैसा व्यू है टिफिन टॉप से। और ये देखें यहाँ से बड़ा ही अमेजिंग, और आज तो कैमल्स बैक की माउंटेन तो दिख ही नहीं रही है क्योंकि देखो बादल लगा हुआ है। वैसे रेन प्रिडिक्शन तो है नहीं, लेकिन नैनीताल में कुछ कहा नहीं जाता बारिश का, लेकिन क्या पता बारिश भी आ सकती है अभी थोड़ी देर में भी, तो ये कुछ ऐसा है। सो व्यूअर्स आइए और समाप्त करते हैं अभी का वीडियो यहीं पे, नैनीताल से इतना ही। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।